अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अचानक से बारिश आ गई है और देखिए कितना तेज बारिश आ रही है। और अभी मैंने क्या करना है, आपको पता है कि बारिश में कौन से काम होते हैं, जो भी परिंदे जानवर होते हैं हमने उनको बंद करना होता है। अभी तो फिलहाल हमारी मुर्गियां शुर्गियां इसके नीचे छुपी हुई हैं, लेकिन मैं ये दरवाजे शरवाजे खोल देता हूँ। हमारी भेड़ और मायले तो अंदर ही हैं, लेकिन हमारी डक्स वगैरह ना सारी उधर ही घूम रही हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इनकी तो खैर है, लेकिन मुर्गियों को अंदर करना पड़ेगा भाई। चलो भाई, बारिश आ गई है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाबाश, जाओ 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 अपने घरों में जाओ, नहीं तो भीग जाते हो, बुखार आ जाता है फिर। चलो शाबाश जाओ यार। अब देखें इस मौसम में फिर सिपतैन नहीं है मेरे पास। आपको पता है यार, सिपतैन ऐसे ही करता है, अक्सर ये धोखा दे जाता है, मुश्किल वक्त में मेरे पास नहीं होता ये। इनको मैं कवर कर दूँ यार। होए, आ जाओ भाई, आ जाओ, टेंशन लो यार, मैं कवर कर रहा हूँ सब कुछ। ओके, आए सॉरी, जल्दी से कर लो यार, यहाँ से भी है। ओए यार ध्यान से। ओए फिलहाल कुछ मुर्गियां दोस्तों बारिश से छुपी हुई हैं और चारपाई के नीचे आई हुई हैं। इनको तो बारिश का पानी नहीं लग रहा, लेकिन ये वाली जो मुर्गियां ना दोस्तों, देखिए दीवार के साथ चिपकी हुई हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की सी आ रही है अब, और ज़्यादा मसला नहीं हुआ। देखें दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी जमा हुआ है और हमारी डक्स यहाँ पर पहले की तरह इंजॉय कर रही हैं पानी में। और मुर्गियों को भी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, देखें बिल्कुल ड्राई हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बारिश नहीं ठहरी। और फिर हमारे पेट्स अब बिल्कुल हैप्पी हैं, मज़े से घूम रहे हैं भाई। लेकिन हमारे हिरन ये देखें सारे सामने यहाँ पर ठहरे हुए, यार इनको बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये फ़ौरन दोस्तों जूँ ही बारिश आती है अपने घरों में चले जाते हैं। ये देखें कितना क्यूट लग रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, बारिश ख़त्म हो रही है, बाहर आ सकते हो। यार ये उस टाइम तक बाहर नहीं आएंगे जब तक फुल बारिश नहीं रुकेगी, अभी हल्की हल्की हो रही है। यहाँ पर तो सारे पेट्स हमारे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हिरन वगैरह अपने घरों में चले गए हैं। यार मैं कबूतरों को देख लेता हूँ, ये तंग तो नहीं है, पानी छानी आया होगा इनके ऊपर। भाई काम यार सिपतैन, तुम टाइम पर होते नहीं हो, इमरजेंसी हो जाती है यार जब बारिश आती है, तुम्हें पता भी है। यार मैं गया हुआ था, सॉरी ब्रो, अगर बुरा लगा तो सॉरी, मैं काम गया हुआ था, बहुत जरूरी। ये काम यार हर वक्त इस टाइम पे तुम्हें काम कौन से आ जाते हैं यार? यार जब मैं निकला हूँ यहाँ से, बारिश तो नहीं हो रही थी, मुझे क्या पता रास्ते में बारिश हो जाएगी, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अच्छा बात सुनो, अभी हमने जाना है मार्केट, एक बहुत ही प्यारी सी चीज लेके आनी है। नहीं यार। हाँ ना, क्या सोचा हुआ है? बहुत ही प्यारी है यार, मुझे अभी पता चला है भाई, और उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई आ जाए, और मुझे उन्होंने बताया भी है और दिखाया भी है कि ये चीज आई हुई है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलो एक चीज का बच्चा है भाई, किसी चीज का बच्चा है वो, किसी चीज का बच्चा है भी एनिमल। बस ठीक है फिर, अभी चलते हैं। हाँ अभी चलें फिर, ले आए पक्का, टाइम है तुम्हारे पास साहब? सर मैं आपके लिए हर वक्त रेडी हूँ, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो खैर दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं पेट मार्केट और लेकर आते हैं भाई, चलो सिपतैन जल्दी, चलो 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 चलो। तो रेडी होके दोस्तों हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब सीधा जाते हैं शॉप पर और उस पेट को लेकर आते हैं अपने घर में। चलो सिपी, बता ही दो यार रास्ते में मैं कैसे सफर करूंगा इतना। मेरे सरप्राइज तुम्हें पता है सिपतैन, अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा, तुम्हारी तरह मैं बेचारे बीमार नहीं लेके आता, अगले दिन फिर वो मर जाते हैं। यार वो तो एक और एक्स के साथ हुआ था, मैंने कहा यार उसकी हिफाजत करेंगे, हमने पूरी भी कोशिश की थी उसको बचाने की, बट वो नहीं बच सका, तो क्या ही कह सकते हैं यार। तो यार हम पहुंच चुके हैं शॉप पर और अब मैं उस पेट को उठाने के लिए जा रहा हूँ। सिपतैन भाई तुम इधर ही बैठो, मैंने तुम्हें मना किया नहीं आना, तुमने बचा जल्दी आना तुमने। हाँ बस दो मिनट आ रहा हूँ। तो यार तुराब गया उस शॉप के अंदर, मुझे लगता है वो जल्दी से लेके आया, क्योंकि तो कॉल पे बात कर रहा था, कहता भाई आप सब कुछ रेडी करें मैं आ रहा हूँ। बस उसने यार जानवर का नाम नहीं बताया, कॉल पे भी जब वो बात कर रहा था ना, वो ये कह रहा था कि भाई आप इस जानवर को संभाल के रखें, मतलब उस जानवर का नाम नहीं ले रहा था ताकि मुझे पता ना चल जाए। बस वो लेने गया हुआ है, मुझे लगता है जल्दी आता है, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा एनिमल है वो। यार आ जाओ भाई जल्दी आओ भाई, तुराब ने फाइनली मुझे कह दिया कि तुम आके देख सकते हो, कब से इंतजार कर रहा था इसका मैं। चलो भाई चलते हैं चलते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सामने देखो कैसा है ये भाई, नील गाय का बच्चा है, नील गाय का बच्चा। अच्छा। तुमने कभी सुना है? शायद किताबों में सुना होगा, सही है? तो भाई ये है वो बच्चा जो तो आप कह रहा था यार, ये आम गाय का बच्चा नहीं लग रहा, ये बहुत खास लग रहा है मुझे। चलो यहाँ से चलते हैं यार, आ जाओ दिखाना जरा। वाओ यार कितना क्यूट है ये। चलो जल्दी चलो, आ जाओ भाई आ जाओ। यार आगे नहीं, तुम पीछे बैठ जाओ, पीछे खुली जगह है ना, आराम से बैठा रहेगा। और इसको गौर से यार घर जाके देखेंगे, अभी तो बिल्कुल वो थोड़ा सा डरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको घर जाके ही देखते हैं आराम से, अभी देखिएगा यार कितना क्यूट है ये। सिपतैन यार वहाँ पर एक मुर्गी रखी हुई थी। हाँ। बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, वो ले ले व्हाइट मुर्गी। हाँ
जब जानवर लेना ना पूछा ना करो, ले ले बस ले लिया करो। पूछ के आता हूँ, वो ये ना हो के ना बेचते हूँ, ये भी तो है ना। हाँ चलो पूछ के। अरे यार ये कितना डिफरेंट है यार बाकी गायों से। भाई ये आगे से हिरन लगता है, पीछे से गाय लगता है। हाँ ऐसा ही है यार, इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है। आपने ऐसी गाय मेरे ख्याल में नहीं देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इसको घर जाके गौर से देखेंगे, इसका घर बनाएंगे प्यारा प्यारा सा, इसके वहाँ पे दोस्त भी है, बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पर देखिए यार, आपको अब आइडिया होगा कि यार ये आम गाय नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसका फेस देखें और इसकी टांगें देखें, और ये देखें यहाँ पर। ओए ये क्या टेढ़ी क्यों की हुई है भाई, ऐसे नहीं करनी होती, ये इसको ऐसे करनी होती है, ऐसे सीधी, हाँ ऐसे खड़े रहो। और यहाँ पर देखिए यार, इसके कलर्स व्हाइट ब्लैक और ब्राउन, बहुत प्यारे हो यार तुम तो। भाई मुझसे तो सबर नहीं हुआ जा रहा, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द चलते हैं यार घर में और इसको मिनी जू में छोड़ते हैं। नहीं भाई वो नहीं बेचते, वो क्यों कहते हैं वो नायाब नस्ल है। अच्छा। एक दो दिन तक और आएंगे, वो हम आपको देंगे। ओके जी हाँ। तो खैर दोस्तों अभी हम घर जा रहे हैं अपने। ओए क्या हुआ, हाथ से यार इसके साथ बैठो। मैं साथ बैठता हूँ यार, भूल गया हूँ मैं पीछे बैठता हूँ, बल्कि इसको आगे ना रख लें, आगे तंग होगा, यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे जगह है, छोटी जगह है, वो उसने गियर लगा देने, हमने उड़ के ऊपर चले जाना है। ओए बुला रहा था सिप्टन, इसकी आवाज भी बकरियों की तरह है। सीरियसली मुंह इसका हिरन की तरह है, पीछे से गाय की तरह है, आवाज उसकी तरह कर बकरी की तरह। यार वाकई मैंने सुना है। यार दोस्तों मैं अपने नील गाय के साथ ही बैठता हूँ यार, वो बहुत ज्यादा मुझे तंग लग रहा है। हाँ भाई मैं आ गया हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। धक्के छक्के में यार बेचारा गिर रहा था। वो सिप्टन कुछ कर रहा है ये, क्या तुम गाड़ी चलाओ, जल्दी चलो यार, वो पीछे पोटी कर रहा है सिप्टन। तुम नीचे हाथ रख लो। हाथ कैसे रखूं यार, पैंपर भी नहीं है कोई ऐसा। ओ यार सिप्टन जल्दी चलो, गाड़ी खराब होगी ना, वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे तुम्हें किसने बोला था कि इसको पीछे वाली सीटों पे बिठाओ और उसको छत पे बिठाएंगे, डिग्गी में भी कहते हैं। ओ यार तुम चलो सिप्पी जल्दी, तंग हो रहा है भाई, 15 मिनट इसको बोलो रोक के रखे। चलो यार अब मुझे तसल्ली हुई है क्योंकि हमारी नील गाय का बच्चा अब आराम से बैठ चुका है भाई अपनी सीट पर। अब ना उठना यार प्लीज, ओके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, डर लग रहा था तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। ओके ओए यार उठो नहीं, चलो यार जल्दी चल घर, चलो घर जाके देखेंगे। ओके बस, बहुत हो गया। वो मुझे चाट रहा है। ओ भाई उसको भूख लगी है बहुत ज्यादा, तुम्हें खाना चाहता है। दूध दूंगा इसको, दो दफा रोका यार, वो कहता है नहीं भाई मुझे दूध चाहिए, मेरे कान चूस रहा है। अच्छा अच्छा अभी बस पहुंचने वाले थोड़ी देर में, बस करो। हाँ संभालो इसको। यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा, इसलिए भाई कैमरा बंद कर दे और घर जाके आपसे मिलते हैं। इसको बस संभाला हुआ है जैसे हमें पता है, जितना मुश्किल से हमने इसको संभाला हुआ है। बस पहुंचने ही वाले हैं। तो भाई हम जू की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है ना यार, काम शाम चल रहा है ना घर का, जिसकी वजह से सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई। अब कैसे जाएंगे वहाँ पे, रास्ता ही बंद है, मिनी जू में कैसे लेके जाएं भाई, तुम जरा पता करो देखो। यहाँ पर मैं सिचुएशन देखने के लिए आ रहा हूँ कि भाई हम मिनी जू में उसको लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते। यहाँ से तो रास्ता है लेके चले जाएंगे, लेकिन ये जो शोर आ रहा है ना बहुत ज्यादा, ये हमारा जो नील गाय का बच्चा है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो डिस्टर्ब होगा नई जगह पर, इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ इसको अभी जू में नहीं लेके आते, इसको घर में लेके जाते हैं, इसको खाना छाना देते हैं अभी। बात सुनो यार, वहाँ पर जू में नहीं लेके जाते क्योंकि वहाँ पर शोर है बहुत ज्यादा, डिस्टर्ब होगा, ये नया है ना, अब इसको घर लेके चलते हैं, अभी घर लेके आओ जल्दी आओ। हाँ ये देखें बहुत शोर आ रहा है, ले आओ ले आओ ले आओ यार, घर वाले नाराज ना होते, कुछ नहीं होता, आ जाओ चलो, खुश होंगे सारे देख के, इतना क्यूट एनिमल है, इसको देख के खुशी होंगे। ओए लाइट ऑन करो। अच्छा जल्दी से, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार इसको। भाई अब हम बिठाने जा रहे हैं भाई, इस टेबल पे रख दो इसको, टेबल पे। हाँ ये गिर जाएगा, नीचे रखता हूँ। हाँ रख दो। चलो भाई चलो मारे करो। भाई हम इसको घर में लेके आ चुके हैं, एक्सप्लोर करेगा यहाँ पर, इसको सबसे पहला काम पता है क्या करना है, तो आप इसको दूध पिलाना है। दूध ले आऊं मैं फिर? हाँ ले आओ। चलो ठीक है, तुम इसके साथ रहो। मैं इसके साथ बैठा हूँ, इसके साथ के स्लिप हो रहा है, टाइल जाने स्लिप हो रहा है, सोफे पे बिठा दो, सुसु कर दे फिर क्या होगा। इसके मुंह को क्या है, इसके मुंह को भूख लगी है, जल्दी करो इसको पकड़ो, मैं दूध लेके आ रहा हूँ इसका। अच्छा भाई इसको मैं यहीं पर ही देख रहा हूँ और ये स्लिप हो रहा है यहाँ पर, टाइल जाने इस वजह से, और उधर नहीं जाना। अब देखें यार, अब गौर से, ये है नील गाय का बच्चा हमारे घर में भाई, फिर रहे। ओ, ओ, ओ,
तो भाई दूध लेके आ चुके हैं। ये क्या हुआ? डर रहा है, वो डर रहा है, उसको डर रहा है। आ जाओ आ जाओ, इधर यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको। यार इससे डर रहा है, छोटे से बच्चे से, इसको उठा लो उठा लो उठा लो। डर गया यार, अभी हम इस नील गाय के बच्चे को दूध पिलाने वाले हैं क्योंकि इसने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, जल्दी से इसको देते हैं। उसको यार मुंह पर लगाओगे तो उसको पता चलेगा। ये देखें, मैं भी कहूँ यार इसको तो आदत होनी चाहिए ऐसे दूध पीने की। अली यार देखो, अच्छा है वो, क्यूट तो है। ऐसे ही डर रहे थे तुम, ऐसे ही डर रहे थे यार, इतना तो अच्छा है हमारा नील गाय का बच्चा। चलो चलो पियो, शाबाश, इतना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, आधे से ज्यादा पी भी लिया इसने, प्रेशर में पी रहा है। आ जाओ इसके पास, आ जाओ इसके पास, आ जाओ। अच्छा है ये? नहीं भाई, ये डर रहा है इससे। भाई बड़ी स्पीड में पिया इसने। जी हाँ। फिनिश, टच फिनिश, आपका दूध पी लिया इसने। भाई नील गाय का दूध हमने पिला लिया है, अभी थोड़ी देर में वो काम शाम जब खत्म होगा ना, इसको जू में भी लेके जाएंगे। अभी लेके नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा शोर है और काम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ी देर में जाएंगे इसको जू में दिखाएंगे बाकी जानवरों को। ले लो ले लो ले लो। अच्छा हम चलते हैं यार, इसको बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं लेके जाता हूँ इसको अंदर। इसको डर भी लग रहा है, रो भी रहा है, फिर भी उसके पास जा रहा है। पता नहीं इसको क्या है, क्या है समझ नहीं आ रही मुझे। अभी रो रहा था उसको देख के, फिर उसी के पास जा रहा है। ये दूर दूर से देखना चाह रहा है यार ये। यार नील गाय के बच्चे को हमने दूध पिला लिया है, अभी एक मजीद दूध मांगना चाह रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा हम नहीं दे सकते, इसका पेट खराब हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक आदमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शेयर में दिया तो सब्सक्राइब आदमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे पास